हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग बहुत ही खुश होंगे जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है। जैसे मैं भी बहुत खुश हूं। हमारे इतने सारे बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर गए, मतलब आई हैव सो मेनी स्कोर्स जो 60+ है, 65+ है। और ये हमारी टॉपर महक गुप्ता जी, जो भी गुप्ता है, 73 इन लॉ, मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन अब जो एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा है, इंटरमीडिएट में तो आ गए, अब तो कोरोना वाला प्रॉब्लम भी नहीं है, तो शुड वी गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन और शुड वी गो फॉर ऑफलाइन? ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए? अब हर आदमी को पता है कि मेरा अपना ऐप भी है, सीएसजी क्लासेस, ठीक है, और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं जो ऑनलाइन है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि आप ऐसा सोच सकते हो कि सर तो अपने ब्रांड को प्रेफर करेंगे और सर वही बोलेंगे जो अपने ब्रांड के लिए फेवरेबल है। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, ये कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है अपने ब्रांड का या अनअकैडमी के ब्रांड का। मैं आपको यहां बताऊंगा ही नहीं कि आपको किस में जाना चाहिए। मैं आपकी हेल्प वैसे करूंगा जैसे एक सच्ची परिवार वाले आदमी को करनी चाहिए, जो आपके परिवार का पार्ट है, जो आपका बड़ा भाई है। मैं आपको ये समझा दूंगा कि डिसीजन कैसे लेना है, बाकी वो क्या डिसीजन होगा वो आपका आपका अपना डिसीजन मेकिंग पावर पर डिपेंड करता है। कैसे लेना है मैं मेथड बता दे रहा हूं, रिजल्ट आपको खुद डिसाइड करना है। ओके, तो चलिए फिर पीपीटी खोलते हैं और मेथड पर चलते हैं। आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं मेथड आपका क्या होना चाहिए। आइए मैं आपको मेथड बताता हूं। देखिए, आप ऑनलाइन जाओगे, ठीक है, या आप ऑफलाइन जाओगे, वो डिपेंड करना चाहिए आपके तीन मैट्रिक्स पर, तीन पॉइंट पर। पॉइंट वन, कंफर्ट प्लस नॉलेज लेवल ऑफ द एजुकेटर, लेवल ऑफ द टीचर। दूसरा दूसरा प्राइस पॉइंट, ठीक है, और तीसरा और सबसे ज्यादा, व्हाट शुड आई से, इंपॉर्टेंट इज सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड, सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर ये कंफर्ट और नॉलेज की बात क्या है? देखिए, आपने अभी अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया। अब अगर आपने ये कोई कोचिंग सेंटर से किया है या किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा है, अब मैटर ये करता है कि क्या आप उनसे कंफर्टेबल हैं और क्या वो टीचर नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे कंफर्टेबल हैं और आपने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो प्लीज आप यहीं पर कंटिन्यू करिए, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं तो। अगर सर आपने उनसे पढ़ाई ऑफलाइन की है तो भैया आप ऑफलाइन ही करिए अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हो तो। पहला चॉइस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट, दैट इज इफ यू नो योर टीचर, ठीक है, इफ यू नो योर टीचर। लेकिन सर मान लीजिए हम लोगों ने सेल्फ किया था, फाउंडेशन में सेल्फ स्टडी किया था, या हम लोग ने जब फाउंडेशन लिया था सर तब हमें पर्टिकुलर टीचर के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, और अब हम लोग उनके पास जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? ऐसे केस में आप टेस्ट करिए उन टीचर के रिजल्ट्स, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस और उनके ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियोस। आजकल यूट्यूब के मर्डर पे सब कुछ अवेलेबल है, ये चीज चेक करिए। अब आप बोलोगे सर रैंक्स, देखो भैया जो बच्चा रैंक लेके आता है ना, और बीइंग अ रैंकर, मैं खुद भी रैंकर हूं, और ऐसा मत समझना सर के पास नहीं है इसलिए बोलेंगे, मेरा खुद बच्चा, मेरा सीएमए ऑल इंडिया रैंक वन है, ठीक है, तो रैंकर मत देखो। क्यों? क्योंकि रैंकर जब देखने की बात आती है ना, तो रैंकर के केस में 90% रैंकर का एफर्ट होता है, सिर्फ 10% टीचर का होता है ओनली। आज ये महक गुप्ता जो 73 लेके आई है ना लॉ में, इसमें सिर्फ 10% मेरा योगदान है, बाकी 90% इसका खुद का है, ठीक है। तो रिजल्ट देखो, एक्सपीरियंस देखो, और यूट्यूब में उनके वीडियो देखो, ये उनके लिए। इफ यू डोंट नो अ पर्टिकुलर एजुकेटर और अ टीचर एंड यू वॉन्ट टू गो टू देम, अब उसके बाद आप देखोगे प्राइस पॉइंट, मतलब व्हाट इज द कोर्स सेलिंग प्राइस, कोर्स सेलिंग प्राइस, कोर्स सेलिंग प्राइस,
यहां पर आप और एक डिसीजन मेकिंग कर लेते हो, यहां पर आप और एक चीज देखोगे, यहां पर आप एक और पैरामीटर कंपेयर करोगे, विच इज सर ही शुड बी गो फॉर लाइव, लाइव एज इन घर पे लाइव क्लासेस जैसे होती हैं, लाइव क्लासेस एट होम इसमें आप ये देखोगे, और दूसरा रिकॉर्डेड वाया पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव, पीडी या जीडी, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव वाला पीडी जीडी, तो आप उसके हिसाब से प्राइस कंपेयर करना। ऐसा मत करना कि आप एक टीचर का प्राइस लाइव क्लास का दूसरे टीचर के पेन ड्राइव से कंपेयर करो, बिकॉज लाइव विल ऑलवेज बी बेटर देन पेन ड्राइव, बिकॉज यू विल बी एबल टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, सेम विद ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में तो लाइव पेन ड्राइव का सवाल ही नहीं, ऑफलाइन विल बी लाइव ओनली। ठीक है, तो प्राइस पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड। ठीक है, अब ऑनलाइन में जो सर्विसेज आपको मिल रही है उसको आप कंपेयर करोगे। सर्विसेज सर, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ रिविजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीए के कोर्स में, वहां यहां कितने मिल रहे हैं, यहां कितने मिल रहे हैं, तो ये तीन मेन पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन करोगे। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे, पर वो पैरामीटर्स में ना एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव, जैसे आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टाइम, ये टाइम सेविंग होगा आपके लिए, ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम सेविंग होगा आपके लिए, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग होगा, अब ऑब्वियसली ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा यहां पर। बट मैं पता है क्या बोलता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, बेवकूफ नहीं है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन का सोच रहा है ना, तो उसने पहले ही अपने आप को, उसको ये तो पता ही है कि मेरा टाइम ज्यादा लगने वाला है, इसलिए मैंने वो पैरामीटर कंपेयर करने के लिए नहीं बोला। सो दीज आर ओनली थ्री पैरामीटर दैट यू विल कंपेयर, कंफर्ट, प्राइस पॉइंट और सर्विसेज बींग ऑफर्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग अपना डिसीजन अच्छे से लेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको मेरे डिसीजन से कुछ मतलब और कोई डिसीजन लेने में मेरी मदद चाहिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब का चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लियो, मेरा व्हाट्सएप का वो मिल जाएगा, कम्युनिटी का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, फील फ्री। ठीक है, मेरा फोन नंबर भी आपके पास है ही, यहाँ पर आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो अपने, मैसेज करिएगा, फीजेबल रहता है, बिकॉज एक बार में हम लोग बल्क तक रीच कर पाते हैं, 206067, तो यहां पर भी आप अपने डाउट्स ला सकते हो। मेरे को पता है ये बहुत ही डाउटफुल टॉपिक है, बच्चों के दिमाग में चल रहा है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे वो लोग भी राइट डिसीजन मेकिंग कर पाए। और अगर इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताना कि सर आपने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लिया और उससे क्या फायदे हुए। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, थैंक यू सो मच।